ओहो कितना प्यारा लग रहा है यार। राम जी का मंदिर बहुत ही प्यारा, मन को मोहित कर दे। इतना प्यारा मंदिर बना दिया और इसको कितना प्यारा सजा रखा है यार। रामलला जी को देख लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए रामलला जी के, दूर से ही हो पाएंगे। लेकिन कि शुरू में भीड़ थी कि आधी ना आधी आधी पब्लिक क्या है डिवाइड हो रखी है, तो फाइनली हम दर्शन करके आ चुके हैं रामलला जी के। जय श्री राम दोस्तों। तो हम आ चुके हैं राम जी के घर अयोध्या। तो अयोध्या में हम आ चुके हैं राम जी की नगरी के अंदर। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं श्री राम मंदिर के। तो अभी भीड़ देख सकते हो आसपास किस लेवल की भीड़ हो रखी है यहाँ पे। अभी तो यहाँ से कम भी 500 मीटर दूरी पे है मंदिर, और लेकिन फिर भी भीड़ देखो। और यहाँ जगह जगह ना अभी भी देखो लंगर चल रहा है। और यहाँ पे देख लो आप, मतलब ऐसा है कि दुकानें बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद भी ना यहाँ लंगर इतने चल रहे हो कि आप ना आपको पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ेगा, फ्री में खा लोगे यहाँ पे जो प्रसाद है। यहाँ पे जगह जगह चल रहा है। यहाँ देखो बहुत भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तो ये यहाँ पे है, आगे तो और भी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बाकी कोई नहीं, दर्शन करने का यहाँ पे लग रही है चहल पहल की, इतनी अलग ही मज़ा आएगा यहाँ पे अभी दर्शन करने में, और आपके भी दर्शन कराऊंगा मैं। तो इसी वीडियो के अंदर हम पहले राम मंदिर और हनुमानगढ़ी और राम जी की पेड़ी, ये सब कुछ घूमेंगे। इसी के अंदर मैं ब्लॉग के अंदर आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये देख लो अभी बाहर से कितना खूबसूरत है। अभी तो ये बाहर से है। देख सकते हो कितना यार खूबसूरत लग रहा है अभी यहीं से। बहुत ही प्यारा बना रखा मंदिर ये। और ये बैरल लगे हुए हैं यहाँ से, देख लो यहाँ से एंट्री होगी अभी, और वहाँ से एग्जिट है, यहाँ से एंट्री है। और यहाँ आगे जाके ना जूते चप्पल जमा हो जाएंगे, तो आगे जूते हमें जमा कराने पड़ेंगे अभी। पब्लिक देख लो, इस साइड देख लो, सारी जगह पब्लिक बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है राम जी के दर्शन करने के लिए। अच्छे से अच्छे बंदे तरस रहे हैं। हम किस्मत वाले हैं जो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, और आप भी आओ दर्शन करने अपनी फैमिली के साथ, मज़ा आ जाएगा बहुत। ये भीड़ देख लो आप, किस लेवल की भीड़ हो रखी है अभी तो। ये एग्जिट वाला और ये एंट्री वाला भी एंट्री कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। ड्रोन व्रोन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ड्रोन देखो अलाउड नहीं है तो लिखा हुआ है, ठीक है। वर्जित है ड्रोन, और जूते चप्पल भी मंदिर है उधर, तो जूते चप्पल वैसे अलाउड नहीं होते हैं। तो देखो अभी तो हम आगे जाए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन मंदिर है ना, जहाँ रामलला जी की मूर्ति है, वहाँ पे ना शायद कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे। राम जी की सेना, वो देखो राम जी की सेना यार। और यहाँ पे ना ये देखो खोल रहे हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे सजावट होती बहुत खतरनाक, जिसकी देख लो अब तक सजावट है ना, ये जो अब तक ये खोल रहे हैं इस लेवल पे सजा दिया गया था इसको। और अभी तो बहुत जगह ना ये बन रहा है, आप सोच नहीं सकते हो कितना खतरनाक मंदिर बनने वाला है। इंडिया का सबसे बेस्ट मंदिर बनने वाला है, ऑलरेडी बनने वाला तो है ही, पर ये ऑलरेडी है भी अभी बेस्ट मंदिर इंडिया का। आप इसकी भीड़ देख के आइडिया लगा सकते हो किस लेवल में भीड़ है, बहुत ही दमदार है। दिनेश पासवान जो भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं, देखो कुछ ना कुछ काम उधर सामने भी चल रहा है, खोया पाया केंद्र निगाह, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो रखा है। बाकी ये है कि मंदिर में ना शुरू में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे आते जा रहे ना, तो लग रहा नहीं है कि इतनी भीड़ है, दर्शन हो जाएंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि अच्छी बात ये है कि शुरू में भीड़ थी, आधी ना आधी आधी पब्लिक क्या है डिवाइड हो रखी है तीन जगह में, हनुमानगढ़ी में डिवाइड हो रखी है, और राम जी की पेड़ी के यहाँ डिवाइड हो रखी है, कैसे डिवाइड हो रखी है जो पब्लिक है। इस वजह से दर्शन आसानी से हो जाएंगे, और एक ही जगह सारी पब्लिक आ जाएगी तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वैसे यहाँ पे देखते हैं जमा होंगे, वो देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट वो चल रही है यहाँ पे। जैसे कोई इंसान खो जाता है तो अनाउंसमेंट करा सकते हो आप। ये देखो आप, अभी हर जगह ना तैयारियां ही चल रही है, अभी बन ही रहा है हर जगह, अभी प्रॉपर ढंग से भी बना नहीं है, तो जाके ये बहुत खूबसूरत बना रखा और बहुत बड़ा मंदिर बना रखा अभी से। अब देखते हैं कहाँ का जूते जमा होते हैं और क्या है यहाँ पे सिस्टम, अभी वो देख लेते हैं एक बार। तो अभी जो है ना, अभी वहाँ पे एक बार चेकिंग हुई है, जहाँ पे मुझे लगा शायद फोन वोन रोक लिया जाएगा कि वहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो अभी आने दिया, ऐसा कोई रोका टोका नहीं है उन्होंने।
अभी ले जा सकते हैं। और यहाँ पे ना अभी सामने लॉकर दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे, तो लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए काफी सारे लॉकर बना रखे हैं, क्योंकि जल्दी से बंदे ना आसानी से जाके जमा करा दे अपने जूते चप्पल बैग वगैरह जो भी है, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाएगी नहीं तो जिस हिसाब से अभी आपको भीड़ दिखाऊंगा ना आप खुद सोचोगे कि कितनी देर में नंबर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉकर ना इन्होंने कम से कम 10-12 लॉकर इन्होंने बना रखे हैं, लाइन जो 10-12 लाइन चलेगी कंटिन्यू, इससे बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ पे ना ये जूते जमा करने का है शायद, यहाँ जूते जमा करने का है और पीछे की साइड ना वहाँ पे फोन वोन जमा करने का है। अभी देखते हैं बाकी पूछ लेते हैं कि बैग भी यहाँ जमा हो जाएंगे, ओनली जूते जूते होंगे। तो यहाँ पे ना ओनली जूते जूते जमा होते हैं, तो यहाँ पे जूते जूते जमा होते हैं। जूतों के लिए आप देख लो कितनी सारी लाइनें, कितने सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ना लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी भीड़ होगी, मतलब इनके लाइन में इतना टाइम लगेगा नहीं। वैसे भीड़ तो बहुत है, एंड लेवल की भीड़ है, आप देख सकते हो ऐसे चिड़ियाओं के दरिया, मतलब चींटियों के दरिया यहाँ पे लोग भाग हैं। और यहाँ पे ना आगे लिखा हुआ है साफ साफ मंदिर जाने का मार्ग उस साइड है, और ये लॉकर है यहाँ पे, हमें लास्ट है कि यहाँ पे हमें फ़ोन वोन पैसा वैसा सब कुछ यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, ऊपर साफ लिखा हुआ है यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते हम। तो यहाँ पे ना लास्ट है पॉइंट जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है खाली आप अंदर ना आईडी और ज्वेलरी वगैरह और पैसे लेके जा सकते हो, सिर्फ फ़ोन तक अलाउड नहीं है अंदर, सब कुछ बैग वगैरह सब कुछ यहीं पे जमा हो जाएगा, इधर साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। और यहाँ से वो रास्ता है मंदिर जाने का, राम मंदिर जाने का यहाँ से रास्ता है। और उसके बावजूद भी आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे देखो अभी भी ना मंदिर बन रहा है और यहाँ आसपास अभी बहुत बन रहा है, ये बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। बाकी चलो देखो भीड़ देख लो किस लेवल पे हो रखी है, पहले फटाफट से जमा कराते हैं फिर रामलला जी के दर्शन करके आते हैं फटाफट से। ओहो कितना प्यारा लग रहा है यार, राम जी का मंदिर बहुत ही प्यारा, मन को मोहित कर दे, इतना प्यारा मंदिर बना दिया और इसको कितना प्यारा सजा रखा है यार। रामलला जी को देख लीजिए आप, दर्शन कर लीजिए रामलला जी के, दूर से ही हो पाएंगे लेकिन ओहो ओहो यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार। और भीड़ देखो यहाँ से, और यहाँ से जाने का ना यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार, दिल कर रहा है यहीं रुके हैं अभी 2-4 घंटे, लेकिन जाना पड़ेगा, भीड़ भी देखो कितनी हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम दर्शन करके आ चुके हैं रामलला जी के, और देखो यहाँ से दी वो जो एंट्री दी और यहाँ से हम जा रहे हैं एग्जिट वाला रास्ता है, और क्योंकि इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, इस तरीके से यहाँ से जमा करोगे और इस वाले लाइन से आपको जूते वगैरह जो है आपको मिलेंगे, वो भी निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ना कोई अपनी श्रद्धा से दे सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है उसके अंदर। और सेकंड चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि अंदर प्रसाद चढ़ाना अलाउड ही नहीं है, आप प्रसाद लेके जा नहीं सकते, प्रसाद चढ़ाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ आप प्रसाद चढ़ाओगे नहीं लेकिन आपको प्रसाद जरूर मिलेगा अंदर से, प्रसाद मिल रहा है आपको, ये है कि राम जी के मंदिर में आओगे प्रसाद मिलेगा लेकिन आप चढ़ा नहीं सकते हो। और सेकंड ये है कि वहाँ पे पैसे चढ़ाने का भी जो दान पात्र है उधर भी टेप लगा रखी है, उधर पैसे नहीं चढ़ा सकते हो आप रामलला जी के सामने बिल्कुल, तो साइड में एक जगह थी जहाँ पे आप अपना दान पात्र वगैरह मतलब कि आप दान कर सकते हो। तो देख लो काफी मजा आ गया, चलते हैं हनुमानगढ़ी। तो अब ना लाइटिंग शो स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे राम की पेड़ी पे, आप देख लो क्या अलग ही लेवल की लाइटिंग शो होगा यहाँ पे, काफी ज्यादा शानदार होगा। इसी की रील देखियो क्या गाइस। अब जा रहे हैं हम हनुमानगढ़ी, क्योंकि इससे पहले हम चले गए राम जी की पेड़ी, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चला कि जो लेजर लाइट वाला जो शो है वो चलता है 7 बजे, तो 7 तो हमें यहीं बज जाते तो फिर हम वो शो देख नहीं पाते, इसलिए हमने पहले किया कि राम पेड़ी चलते हैं उसके बाद हनुमानगढ़ी चलेंगे। और जब ये आपको दिखाया वो लेजर शो कितना दमदार था, मज़ा आ गया होगा आपको वो देख के। और अब चल रहे हैं हनुमानगढ़ी, क्योंकि मैंने कहा चलो पहले वो दूर भी था तो पहले वही हो जाते हैं कवर कर लेते हैं, उसके बाद हनुमानगढ़ी चलेंगे और फिर ये लास्ट है, फिर उसके बाद देखते हैं होटल कहाँ पे रुकना है मैं कहाँ पे नहीं, तो फटाफट से आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन कराते हैं हनुमान जी के।
तो ये देखो ये है हनुमानगढ़ी सामने, और यहाँ की मार्केट देखो कितनी चकाचौंध है। और मंदिर जो है सिर्फ 9 बजे तक ही ओपन रहता है ऐसा मैंने सुना है, और फर्स्ट टाइम है ये मेरा कि देखो बढ़िया मार्केट एकदम सही चकाचौंध हो रखी है, बढ़िया एक नंबर की। अब इधर देखो कितना टाइम लगने वाला है, अभी इधर देखो इधर लाइन से आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हो, प्रसाद ले लेते हैं पहले हम यहाँ से ले लेंगे आजा, क्योंकि फिर क्या है आगे सीधा प्रसाद चढ़ा के फिर निकलेंगे अंदर, देखते हैं अगर फ़ोन अलाउड हुआ तो अंदर बनाएंगे, वैसे मेरे हिसाब से अंदर अलाउड है फ़ोन, चलो देखते हैं और पता कर ले क्या चढ़ाएगा। तो देखो मार्केट हो नहीं बढ़िया यार, देखो प्रसाद की दुकान देखो एक नंबर की, देखो दुकानें बंद हो रही है उधर से क्लोज हो रही है क्योंकि टाइम हो गया है मंदिर बंद होने का। तो बहुत ही बढ़िया, देखो यहाँ से एंट्री देखो सामने देखो ऐसे जल्दी दर्शन हो जाएंगे, इसका मतलब फटाफट से दर्शन करके आते हैं लाइव। देखो ये हनुमानगढ़ी हम पहुँच चुके हैं, और इधर फ़ोन बचा के रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारे को पहले ही भूल गया हम प्रसाद वाले भैया ने थोड़ा सावधान रहना क्योंकि यहाँ जेब कटने का बहुत खतरा है, तो फिलहाल फ़ोन जेब में रख लेते हैं अभी। तो गाइस हम ना दर्शन करके आ गए, प्रसाद साहब ने चढ़ा दिया है, और ये देख लो आप गेट हनुमानगढ़ी का। तो अब चलो चलते हैं फटाफट से, हमने वहाँ बैग भी जमा करा रखा है, और अभी ना वैसे भी यहाँ पे आरती होने वाली है बता रहे हैं, और आधे एक घंटे के लिए शायद ये बंद हो जाएगा, तो चलो चलते हैं फटाफट से वहाँ पे अपना सामान वाला उठाते हैं फिर होटल पे चलते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, बोलो जय श्री राम।